फ्रेंड्स, आज हम लता दीदी को याद करेंगे। लता दीदी हमारे देश की बहुत ही उच्च कोटि की, सर्वोच्च कोटि की गायिका थी। उन्होंने असंख्य गीत गाए और उनके गाए हुए गीतों का जादू हमारे देश के लोगों पर चढ़कर बोलता है। और उनकी एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो गाने हैं वो उनको, उनके अलावा कोई दूसरा इतनी अच्छी तरह से नहीं गा सकता है। शास्त्रीय संगीत पर जो आधारित गाने हैं वो लता जी के अलावा कोई किसी और दूसरे में वो हुनर नहीं था। एक मेरे जीवन का एक संस्मरण है उनसे संबंधित, वो भी मैं यहां शेयर करूंगा। वो ऐसा है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी पंडित गोपाल लक्ष्मण गुणे, जिन्होंने कि आगरा में शास्त्रीय संगीत का एक स्कूल की स्थापना की जो आज भी चलता है, तो उस स्कूल के प्रकाशन में एक बार उनका उल्लेख हुआ है। तो वो सारी बातें मैंने उनको, उनकी जानकारी के लिए उनके पास भेजी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे दो पत्र लिखे, जिसमें से एक पत्र मुझे मिला, उसमें लिखा था कि माझा आधीचं पत्र तुम्हाला मिळालेलं दिसत नाही आहे, मतलब मेरा पहले का जो लेटर मैंने आपको भेजा वो आपको मिला नहीं है। इसी के साथ उनका मुझे फोन भी आया मेरी कंपनी में जहां मैं काम करता था, लेकिन मैं संयोगवश मैं बाहर गया हुआ था इसलिए मैं वो फोन रिसीव नहीं कर पाया। मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बताया कि गुणे साहब आपको फोन आया था, लता मंगेशकर जी का फोन आया था, और फोन पर बोली कि मैं दीदी बोल रही हूं, तो हम भी आश्चर्य में पड़ गए कौन दीदी। तब उन्होंने पूरा नाम बताया अपना। तो ये एक प्रसंग मैं, मेरे साथ घटित हुआ जो मैं आपसे, जो मैंने आपसे शेयर किया। आज हम अनुपमा फिल्म में उनके द्वारा गाए हुए गीत को मैं आपके सामने रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा, और साथ ही अनुपमा जो फिल्म है, थी पुरानी, उसके बारे में भी अपने विचार रखूंगा। फिल्में हमारे समाज का एक दर्पण होती हैं और समाज में जो अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा घटित होता है वो सबको हमारे सामने लाती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चुनते हैं, अच्छा चुनते हैं या बुरा चुनते हैं। तो अनुपमा ये जो फिल्म है, ये जो समाज में शकुन और अपशकुन, इसका, इसकी जो सोच है उसके ऊपर आधारित है। हमारे देश में ये सोच बहुत चलती है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, शायद पश्चिमी देशों में भी चलती हो, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में, इन ऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस शब्द पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि वहां भी ये सब चीजें मानी जाती होंगी। तो खैर, ये तो ये जो है फिल्म, इसकी कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका जन्म होते से ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है, जिसके लिए पिता उसको अपशकुनी ठहराते हैं जीवन भर, और जीवन भर उसे माफ नहीं कर पाते, और वो इसी बोझ के तले पूरा जीवन जीती है। और फिर उसके जीवन में एक लड़का आता है जो कवि होता है, लेखक होता है, और अंत में वो इस, जो ये जो उसने एक आवरण से अपने को ढका हुआ था उससे बाहर आती है, और अंत में उसके पिता, जब वो उस लड़के के साथ जीवन निर्वाह करने के लिए घर छोड़ती है,
तब पिता उसको माफ कर पाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होती है कि और शायद ये पश्चाताप के आंसू थे कि उन्होंने अपनी बेटी को जबरन जिंदगी भर दोषी ठहराया। तो ये बहुत अच्छी फिल्म थी, इसका ये गीत है जो मैं आपके सामने कोशिश करूंगा और दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं यूं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, लेता है दिल अंगड़ाइयां, इस दिल को समझाए कोई, लेता है दिल अंगड़ाइयां, इस दिल को समझाए कोई। अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं यूं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, लेता है दिल अंगड़ाइयां, इस दिल को समझाए कोई। अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं, ऐसी भी बातें होती है यूं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, दिल की तसल्ली के लिए चमक झूठा निखार, दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार, जीवन तो सूना ही रहा, सब समझे आई थी बाहर, जीवन तो सूना ही रहा, सब समझे आई थी बाहर। कलियों से कोई पूछता हंसती है या वो रोती है, कैसी भी बातें होती है यूं,
ऐसी भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार, जीवन तो सुना ही रहा, सब समझे आई थी बाहर, कलियों से कोई पूछता हंसती है या वो रोती है, कैसी भी बातें होती हैं, यूं ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती है, यूं ऐसी भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। धन्यवाद।